इधर देखो, एक सूत्र का प्रयोग होता है उसे कहते हैं कार्ल प्रियंस सूत्र। ध्यान से देखिएगा, ये बार बार कभी काल पूछ देता है। कार्ल प्रियंस सूत्र में तीन गुणे माध्यक सूत्र है इसका, तीन गुणे माध्यक घटाओ बहुलक बराबर दो गुणे माध्य। इस सूत्र है, इसे इसी सूत्र को कभी कहता है कार्ल प्रियंस सूत्र। लिखे कभी इस पे क्वेश्चन लगाता है, इस सूत्र पे कैसे लगाता है क्वेश्चन देखिए। जैसे दिया आपको, यदि किसी आंकड़े का माध्यक चार तथा बहुलक दो है तो माध्य ज्ञात करे। यानी तीनों में से कोई दुगो दे देता है, एगो को नपाता रखता है, तो तू सोचता है कि अरे माध्य माध्यक बहुलक तो वैसे निकाले थे, ये कैसे आ गया। तो इस समय कार्ल प्रियंस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तब यहां लिखते हैं तीन गुणे माध्यक बराबर बहुलक बराबर दो गुणे माध्य। अब तीन गुणे माध्यक देखो इसमें कितना देता है, बहुलक दो गुणे माध्य ऐसे ही रह गया, ये बारह हो गया, ये घट गया दो, इधर दो गुणे माध्य हो गया, हो गया माध्य बराबर ये घट गया तो दस, दुइया बटा आएगा दो पचे, माध्य कितना आ गया। आंसर ऐसे बनता है, जब क्वेश्चन ऐसे लगाएगा तो ऐसे बनेगा, ध्यान देके देखो।